500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है, जनता बहुत ही प्रसन्न है, देश विदेश के लोग प्रभु राम के मंदिर का निर्माण कार्य को देखेंगे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री पृथ्वी से आज्ञा मांगेंगे कि इस पुनीत कार्य का प्रारंभ हो सके। हमने पृथ्वी में प्राण माने, हमने जल के अंदर प्राण माने, हमने वनस्पतियों में प्राण माने हैं और उनकी आज्ञा लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी प्रकार से प्रभु राम भारत के प्राण हैं और निश्चित रूप में ये बहुत पुनीत कार्य है और निश्चित रूप में दीपावली मनाने का ये समय है कि प्रभु लौट करके आ रहे हैं, उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है और निश्चित रूप में मर्यादा पर चलते हुए, न्याय करते हुए, सुशासन देते हुए हम अपने देश को विश्व के गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। महापुरुषों के आचरण के बाद महाजनो ये न गता सपन्था, महापुरुषों के अनुचरण के बाद उनके चला बताए हुए रास्ते पर चलने पर ही हम गौरव को प्राप्त करेंगे। प्रभु राम ने जंगल में तपस्या की, शबरी को गले लगाया, भिल्ली को गले लगाया, उन्होंने जो है केवट को गले लगाया और जो सुदूर पिछड़े लोग हैं उनको गले लगाया। आज उनकी मर्यादा, उनका जीवन इसी बात का बखान कर रहा है कि जो पिछड़ा है, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको हृदय से लगाओ और मंदिर का निर्माण करो। आज पूरा देश इस निर्माण में अपना योगदान देगा। इट विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटायर नेशन और निश्चित रूप में एक बड़े गौरव के साथ इस भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ऐसी मेरी कामना है।